इन एन इकोनॉमी सी दिया हुआ है, यानी कंजम्पशन फंक्शन, आई इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एम वन भी दिया हुआ है, एम टू भी दिया हुआ है, और सप्लाई ऑफ मनी भी दिया हुआ है, सब कुछ दे दिया। बोलता है डिटरमाइन द आई एस एंड एल एम फंक्शंस। तो देखो जी, आई एस और एल एम हम एक में बिठाएंगे तो ये आ जाएगा, एक में बिठाएंगे ये आ जाएगा, ठीक है। और क्या मांग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, बात को समझेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग पुट करेंगे, पुट करने के बाद अपने आप क्या आ जाएगा, आर। यानी इस बार आपको सम्स में आर नहीं दिया, अभी तक क्या हो रहा था, आर देने से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकल जा रहा था। कैसे निकल रहा था, खाली इससे निकल जा रहा था या इससे निकल जा रहा था, अभी कुछ नहीं दिया तो क्या करेंगे, पहले ये इक्वेशन लाओ, ये इक्वेशन लाओ, इक्वल टू करो, क्या निकलेगा, चलो करो। थोड़ा लंबा हुआ, कुछ नहीं किया जा सकता। देखो यहां जी, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आई एस इक्वेशन निकालें, वाई इक्वल टू सी प्लस आई, वाई तो वाई है, सी का वैल्यू दिया हुआ है देखिए, और आई का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कंजम्पशन और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों दिया हुआ है। सॉल्व किए, वाई को इधर ले आए, ये 350, ये यहां पर आ गया 0.4y, और ये आ गया। ध्यान से समझेंगे बातों को, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी देखेंगे। आपको सभी को पता है कि हम लोग इसको 0.04 से 0.4 से डिवाइड किए नहीं, क्योंकि खाली वाई लाना है, ये तो आप पिछले इक्वेशन में भी सीख चुके हैं। तो हम लोग इसको डिवाइड किए, खाली वाई बच गया, इससे अब कर दो, इससे कर दो, एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। जहां पर सी और आई दिया था वहां से एक इक्वेशन आया। अभी सेकेंड पार्ट करना पड़ेगा, एक और इक्वेशन आएगा, जल्दी करो। देखो जी, सेकेंड पार्ट हम लोग एक इक्वेशन और लेकर आएंगे, एलएम फंक्शन, सप्लाई ऑफ मनी M1 प्लस M2, सारा कुछ दिया हुआ है, सॉल्व कर दिए, 0.2 आ रहा था, y खाली लाना है, इसलिए 0.2 से डिवाइड कर दिए, तो आ गया y इक्वल टू 600 प्लस 500 r। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अपने को r मांगा है, r करने के लिए ये बस देखेंगे जी, इस चैप्टर में इतना फॉर्मूला याद रखने से आपका काम हो जा रहा है। आई एस इक्वेशन y इक्वल टू सी प्लस आई, एल एम फंक्शन, मनी ऑफ सप्लाई MS इक्वल टू M1 प्लस M2, और अगर R मांग दिया तो दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है जी। अभी थर्ड पार्ट, ध्यान से सुनेंगे, जनरल इक्वेशन से R का वैल्यू ले आए, ध्यान से सुनेंगे, जनरल इक्वेशन से R का वैल्यू लाए, और यहां पर देखिए आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो समथिंग ये आएगा, परसेंट में कन्वर्ट कर दिए, परसेंट, यानी आर हमेशा परसेंट में दिखाना है, आ गया। लेकिन हम लोगों ने यहां पर ऐसे ही वाई का वैल्यू भी निकाल कर देखना चाहा कि क्या आएगा, क्योंकि जनरली अभी तक क्या होता था, वाई का वैल्यू मांगता था, तो हम लोगों ने यहां पर आर का वैल्यू बिठा के वाई का वैल्यू ले आए, करना कुछ नहीं है, इंटू कीजिए, ओके। आप यहां पर 15.71 की जगह इस वैल्यू को भी बिठा के कर सकते हैं, जैसे आप बोलेंगे सर इसके पहले तो आप 8% नहीं ले रहे थे, 8 नहीं ले रहे थे, 0.0 ले रहे थे, उसको भी बढ़ा के कर सकते हैं आप। लिखा हुआ है इन एन इकोनॉमी सी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, मनी का सप्लाई दिया हुआ है, M1 M2 दिया हुआ है, आई एस एल एम फंक्शन बोल रहा है, आर और वाई का वैल्यू बोल रहा है, देख रहे हैं ना दो चीज, यहां तक तो हम लोग अभी किए ही थे, सेम चीज नहीं दिया हुआ है क्या, अभी जो हम लोग सवाल किए हैं सेम वही सवाल है, बट यहां पर एक चीज और भी बोल रहा है, इफ द गवर्नमेंट सेक्टर इज एडेड, गवर्नमेंट मतलब जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड इफ जी इज इक्वल टू 20 और टी इज इक्वल टू 0, टी मतलब टैक्स, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ आईएस फंक्शन एंड द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ वाई एंड आर। तो पहले तो आप जो चीज निकालने के लिए बोला है पहले उसको निकालिए, 1 और 2 को निकालिए, फिर जाके 3 और 4 हम लोग देखेंगे, जल्दी कीजिए।
देखो जी आईएस फंक्शन दिया हुआ था, वाई सी का वैल्यू दिया हुआ था, आई का वैल्यू दिया हुआ था, और हम लोगों ने सॉल्व करके अब सिर्फ वाई लाना है, कंपेयर किए और कंपेयर करके 0.2 से डिवाइड कर दिए, दोनों तरफ एक फंक्शन आ गया, यह आ गया आईएस फंक्शन। एलएम फंक्शन में हम लोगों ने एमएस इक्वल टू एम1 प्लस एम2 किया, सभी का वैल्यू दिया हुआ था और हम लोगों ने एक और फंक्शन लिया है। अभी आर और वाई मांग रहा है, क्या मांग रहा है, आर एंड वाई, तो अभी तुरंत आर और वाई दोनों निकल जाए। तो देखिए हम लोग जस्ट इसके पीछे वाले सम्स में ये काम कर चुके थे, यहां तक आपको इजी लग रहा होगा, और अब ये चैप्टर जो आपका है अब आपके लिए कोई खास बात नहीं लग रहा होगा कि ये जो कमोडिटी मार्केट एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है उसको, उससे सम्स आने से आप आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी सिर्फ आईएस इक्वेशन एलएम इक्वेशन निकालना है। टेंशन उम्मीद है कि फ्री हो गए होंगे, क्योंकि आपके फ्रेंड आपको टेंशन देते हैं, बोलते हैं इकोनॉमिक्स में सम्स आता है और अभी तक माथुर सर तुम्हारा सम्स करवाया या नहीं करवाया, करवा दिए। तो देखेंगे जी यहां तक आर और वाई का वैल्यू आ गया, बट सम्स को एक स्टेप आगे बढ़ाया। क्या बोल रहा है एक सम्स को एक स्टेप आगे, बोलता है ध्यान से देखेंगे, बोल रहा है क्या क्या निकालने के लिए, आई एस एल एम फंक्शन निकल गया, आर और वाई का वैल्यू निकल गया। बोलता है इफ द गवर्नमेंट सेक्टर इज एडेड एंड इफ जी इज इक्वल टू 20, टी का भी वैल्यू दिया हुआ है 0, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ आई एस फंक्शन, तो आई एस फंक्शन में क्या इंपैक्ट होगा। तो फिर से आई एस फंक्शन बिठा दो, सी प्लस आई प्लस जी बिठा दो, क्या बोल रहा है उसमें, आईएस फंक्शन में क्या बोल रहा है, जी ऐड कर दो, तो फिर से निकालो, हां फिर से निकालना पड़ेगा क्योंकि दूसरा आएगा ना, ये एक पार्ट हो गया फर्स्ट सेकंड, अभी थर्ड के लिए आप कर रहे हैं सम्स अकॉर्डिंग टू सम्स। देखो यहां ध्यान से बढ़िया से देखिए जी, जी को ऐड करने से ये इक्वेशन आया, और अगर जी को ऐड नहीं किए थे तो आपका इक्वेशन क्या आया था यहां पर 17, और यहां पर कितना आया था 1750 आया था, और ये बराबर आया था। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों को कंपेयर करके देखने से मेरा नेशनल इनकम इंक्रीज कर जा रहा है, कितना से इंक्रीज कर रहा है 100 रुपया से, बट सेकेंड पार्ट जब एलएम फंक्शन करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ भी चीज प्लस नहीं हो रहा है, एमएस इजिकल टू एम एस ही है, M1 इजिकल टू M1 ही है, M2 इजिकल टू M2 ही है, यानी इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो जो पहला इक्वेशन आया था वही आएगा, ठीक है जी, क्योंकि अपने को क्या बोल रहा है कि फिर से अगर जी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या इंपैक्ट आएगा आर में और वाई में, तो यानी फिर से इक्वेशन बनाना पड़ेगा, कौन सा इक्वेशन जो हम लोग बना चुके हैं अभी, आईएस इक्वेशन निकालें, और आईएस इक्वेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, एलएम इक्वेशन निकालेंगे, एलएम इक्वेशन निकालने का दरकार नहीं, क्योंकि कोई भी तरह का उसमें चेंजेज नहीं है, फिर से जैसे बनाए थे वैसे ही बनाइए, आर का वाई का वैल्यू फिर से आ जाएगा। यह पता चला क्यों 100 से इंक्रीज किया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे जी जब इसमें एक ही सवाल को दो बार रिपीट कर दिया, गवर्नमेंट सेक्टर को जोड़ने से मेरा आईएस जो कर्व था यानी आईएस इक्वेशन वो 100 रुपीज से चेंज हुआ, दिख भी रहा है 100 रुपीज से चेंज हो गया, बट एलएम फंक्शन हम लोग फिर से नहीं निकाले क्योंकि उसमें कोई चेंजेज नहीं है, वापस हम लोग को बोल रहा था आर का वैल्यू निकालने के लिए, फिर से आर का वैल्यू निकालें, जो आर का वैल्यू आया इक्वेशन वन में पुट करके वाई का वैल्यू निकाल दें, क्या कोई प्रॉब्लम है, इस तरह के सवाल आएंगे तो बना पाएंगे तो आप, ठीक है ना।